दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम सिंघाड़े के आटे के आलू गोंडा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो ये चार आलूओं को उबाल करके और इसका छिलका उतार करके रख लिया है। सिंघाड़े के आटे को छान करके रख दिया है एक कटोरी में। तीन चार हरी मिर्ची, सेंधा नमक और ये धनिया पाउडर। और चलिए हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये देखिए, एक बर्तन ले लेंगे, हमने एक ब्रेड लिया है और उसमें आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे से। देखिए, हाथ को अच्छे से धो लेंगे और इसको आलूओं को इस तरीके से हाथ से मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलू पूरी अच्छे से मैश हो चुकी है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस की पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे, ये हमने तीन चार हरी मिर्च काट कर रखी थी वो डाल देंगे। डाल देंगे धनिया पाउडर और डाल देंगे नमक। सेंधा नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। गैस को मंद कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो जले नहीं। और इसमें डाल देंगे आलू मैश किए हुए। आलू को मैश किए थे उनको डाल देंगे पूरा। ऐसे भून लेंगे कुछ मिनटों तक। थोड़ा ये आलू अच्छे से भून चुके हैं और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, एक बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे हम ये सिंघाड़े का आटा। इतना आटा डाले हैं और आधा आटा बचा करके रख लिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। सिंघाड़े के आटे का घोल इतना पतला होना चाहिए, ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना ही होना चाहिए। चलिए हम इसको रख देंगे साइड में और गैस पे तेल चढ़ाएंगे। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम आलू के गोले बना लेंगे। आलू ठंडी हो चुकी है, इसके छोटे छोटे लोइए तोड़ेंगे और हम इसके गोले बनाएंगे इस तरीके से। आप छोटे बड़े गोले अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम गोले बना लेंगे और सारी आलूओं के गोले बना करके रख लेंगे। कुछ गोले बना करके हमने रख लिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए, हम गोलों को उठाएंगे और इसमें डिप कर देंगे इस तरीके से। हाथ से भी आप कर सकते हैं, मैं चम्मच से कर रही हूँ। एक चम्मच से ये इस तरीके से और इस चम्मच में ले लेंगे ताकि ये गिरे नहीं। और हम इसे डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए, गैस को धीमे ही रखना है, तेज गैस पे नहीं पकाना है इनको। ये देखिए, थोड़ा सा ये हो गया, हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ऐसे एक एक करके पलट देंगे। इसमें छह आ गए हैं तो हमने डाल दिए हैं। आप चाहे तो सिंघाड़े के आटे के घोल में भी नमक ऐड कर सकते हैं। हमने उसमें नमक नहीं मिलाया है क्योंकि आलू में नमक था और ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे ही बनाया है। आप चाहे तो उसमें नमक मिला सकते हैं। ये आलू गोंडे हमारे पूरे पक चुके हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे आलू गोंडे। हमने सारे आलू गोंडों को निकाल लिए हैं, इसमें गैस को बंद कर दिया है। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारे व्रत के आलू बंडे बन करके तैयार हैं। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।